एक बार सोकर उठकर फिर दोबारा से सोने वाले को आखिरकार उठा हुआ नहीं कहते जनाब, उसे यही कहेंगे कि आलसी है। और रे लात जो है पक्का ये लेट सोया होगा और उसके पीछे का रीजन जानना नहीं चाहते हमारे घर वाले, सिर्फ और सिर्फ उनको ये होता है कि मोबाइल में घुसा हुआ होगा। लेकिन ये कभी कभी नहीं होता है जनाब, समटाइम नींद भी तो नहीं आती, क्या करें। लेकिन इसी के साथ अब नींद तो अगर बात यार बॉलीवुड में भी उड़ा दी जाती है, अगर किसी एक्टर की जो मूवी है वो फ्लॉप हो जाए, इवन अगर बात की जाए नेशनल अवार्ड जिसने दोनों जीते हो, यानी कि 2002 में आई एक मूवी जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और इसमें जो करेक्टर रोल प्ले किया था वो बड़े ही बेहतरीन एक्टर ने किया, इन्होंने अजय देवगन ने किया था, और इसी के साथ 27 करोड़ रुपए की ये बनी थी, लेकिन और सिर्फ 5 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल धमाल मचा पाई। और 20 करोड़ का इसको नुकसान होने के बाद जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा राजकुमार ने, अब तो हम कुछ और ही देखेंगे बनाने के लिए। हाई जी रेडियो इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ, तो आज क्या है खास, यानी कि फ्रांस की कैपिटल है यार पेरिस, और वहाँ पर आज के दिन ही पहली मेट्रो चली थी। तो भाई रोमियो तुम्हें क्या लगता है पेरिस और जो मेट्रो के बारे में कुछ तुमको भी पता चलता है कि, या फिर तुमको भी ख्याल नहीं रहता, अपने ख्यालों में तुम खोए खोए रहते हो यार। पेरिस की मेट्रो ट्रेन तो आज ही के दिन चली थी। अच्छा? और यात्रियों की जिंदगी आसान हो गई, लेकिन रोमियो बेचारा उसकी तो हालत वही रही। अगर शेक्सपियर के जमाने में मेट्रो होती तो रोमियो शायद प्लेटफार्म पर ही जूलियट इंतजार करते करते सो गया होता, और जूलियट अपने टिकट के लिए लाइन में लगी होती, सोचते हुए काश रोमियो ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर ली होती तो कितना अच्छा होता ना। रोमियो अब देखो ये तुम यार अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें मत किया करो, मुझे तुम्हारे लिए सोच करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दुख हो जाता है गॉड की कसम से। बाय द वे गुड वाली गुड मॉर्निंग जी, आपकी गुड वाली मॉर्निंग के मैसेजेस की मैं इंतजार ही कर रही थी कि एकदम से पॉप अप हुआ गुड मॉर्निंग। अजय जी आपको भी गुड वाला गुड मॉर्निंग, रेडियो SD90.8 FM आरजे अमर प्रीत और इंडिया की पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ सुन रहे हैं आप शो सुपर हाई फाई। हाय हाय जी क्या हाल चाल है। रोमियो ने अपनी एंट्री ना बड़ी धांसू करता है हमेशा, न जाने मुझे लगता है कि यार इतनी एनर्जी ये कहां से लेकर आता है, समटाइम मुझे भी रीजन ये बताता नहीं है, बड़ा छुपा रुस्तम है। अब क्या करे रोमियो यार, इसने मेरे को बताया कि OTT प्लेटफॉर्म पर जब से अनिल कपूर आए हैं ना दिनाधिन दाई ये जो डायलॉग है ना फेमस से भी और फेमस हो चुका है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि घर के क्लेश और सियापे जो थे वो कम पड़ गए थे, अनिल कपूर जी जो जबरदस्ती यहाँ पे आ गए यार, ये तो वो वाला सीन हो गया जो फेमस होने के लिए भी दिल्ली चला जाए और बड़ा पाव खा कर आ जाए। वैसे भी बात करें यार बड़ा पाव की, अरे यार बहुत ज्यादा आजकल फेमस तो खैर हो ही रहा था, लेकिन इसके भाव भी रेट तब से बढ़ गए जब से ये OTT प्लेटफॉर्म पर आया है। और इसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि यार रोमियो तुम भी यार एक आधा जो डायलॉग है वो अनिल कपूर की आवाज में तो खैर तुम कहीं निकाल पाओगे, तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं है, लेकिन हाँ सुना तो सकते हो मुझे कि नहीं, कम से कम आज मेरा दिन और बेहतर बन जाए कि नहीं। चलो ठीक है अब गुस्सा मत हो, सुना दो यार फटाफट। अनिल कपूर का एक और फेमस डायलॉग है, क्या जो करता हूँ वो दिल से करता हूँ, क्या बात। ये डायलॉग उनकी फिल्म विक्टोरिया नंबर 1 से है। इसके अलावा फिल्म खुदा गवाह में उनका डायलॉग आपने खुदा का नाम लिया और ये सब क्या हो रहा है भी बहुत चर्चित हुआ था। अच्छा लेकिन मुझे तो सिर्फ इनका एक ही डायलॉग याद है दिनाधिंदा, अय हाय 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 बाय गॉड की कसम से, मतलब जो ये दिल छू जाता है ना क्या ही कहने। मुझे लगता है कि यार घर के कलेश और सियापे के बाद अब इन्होंने कहा कि क्यों ना थोड़ी सी एनर्जी पैक वापस कर दिया जाए, लेकिन बिग बॉस OTT देखने के बाद मेरे को तो यही लगता है सलमान खान कहाँ है आप। हाय हेलो रेडियो SD90.8 FM आज मैं प्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ सुन रहे हैं आप शो सुपर हाई फाई। वो कहते हैं ना कि नौकरी पाने के लिए लोग बाग न जाने क्या क्या कर देते हैं, हर एक हदें पार कर देते हैं, और इसी के साथ अब देखिए अगर मैं बात करूँ चाइना की, और वहां पर तो एक इंसान ने ऐसा ही कमाल धमाल कर दिखाया कि फैशन के चक्कर में भाई साहब उन्होंने अपनी टी शर्ट पर ही अपना रिज्यूमे छिपा दिया है और लिख दिया है कि QR स्कैन कोड को स्कैन कर लो और जिसको भी चाहिए होगी जरूरत है किसी एम्प्लॉय की तो मुझे रख लीजिए। मैं क्या, अरे वाह ये तो आज यार बड़ा यूनिक बोल सकते कि आइडिया है, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि पता लगा सामने वाला इंसान आपको गए कि जनाब आपको तो मैंने QR स्कैन कोड कर लिया लेकिन आपका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस फोटो जो रिज्यूमे है वो जो टी शर्ट पे उन्होंने छपवाया था उसके ऊपर उन्होंने अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। और नौकरी पाने के लिए जनाब आजकल कुछ भी कर देती है लोग बाग, लेकिन इसी के चलते अब देखो रोमियो का कुछ और ही है कहना, अब वो जरा सुनते चलो। अपनी रिज्यूमे को सुपर हीरो की तरह सजा। अच्छा? जैसे हाँ मैं भी सुपर पावर से लैस हूँ। इंटरव्यू के दौरान भी कुछ लोग ऐसी हिम्मत दिखाते हैं कि खुद को एक पार्टी का कैंडिडेट मानते हुए पार्टी पार्टी करके आते हैं, और जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो सोशल मीडिया पर ह्यूमर्स पोस्ट डालते हैं, जैसे अरे फिर से मौका दो, अब तो चाय भी बना दी है।
बढ़िया, मतलब बहुत सही तरीके से यार तुमने एक्सप्लेन किया। मैं तो कहती हूँ जॉब पाने के चक्कर छोड़िए, लेकिन अभी सिर्फ कंसंट्रेशन कीजिए किस चीज के ऊपर, जो भी आपके पास अगर मैसेज आ रहा है उसके ऊपर। और दे दनादन मेरे पास कॉल टू कॉल आ रही थी और आंसर भी खैर बहुत सारे आ चुके हैं, और बस मैं तो थोड़ी देर में अनाउंस ही कर दूंगी। लेकिन ना रोमियो बताना चाह रहा है कि किस किस ने भाई अभी तक जो है आंसर वो दे चुके हैं लोग बाग। और देखिए उनमें से मैं लगता है कि यार रोमियो फटाफट से बताओ। वंशिका, विनय और शान मोहम्मद रिचा, आप सब लोग ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, लेकिन आंसर तो भाई मैं अनाउंस कर दूंगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अमरप्रीत है आपके साथ, और इसी के साथ यार मैं तो कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा ना कभी कभार इस रोमियो को तो ना सुन लेना, उन्हें थोड़ा सा झेल लेना। हाय हाय, झेल लेना कि क्या कौन सी बात होती है रोमियो, है तुम एक तो शर्याम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है यार, अब तुम्हारे टेंटरम इतने हैं तो झेलने पड़ेंगे, इतने तो लड़कियों के मूड स्विंग्स नहीं होते जितने तुम्हारे हो जाते हैं। तो इसी के साथ यार मूवी टिकट के बारे में खैर अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन अगर बात कर दी जाए हमारी एक ऐसी एक्टर के बारे में जिन्होंने भैया बॉलीवुड मूवी में आकर कमाल धमाल कर दिया, कि आखिरकार कोई जरूरी नहीं है जो आपकी फिगर है वो जीरो ही हो, क्योंकि आजकल फिगर नहीं मैटर करता है, कौन सा आपका जो मूवी के अंदर आप लोगों को परोस रहे हैं वो मैटर करता है। और आपने देखी होगी फिल्म दम लगा के हईशा, जिसके बाद जो हमारी एक्टर है यानी कि कौन भूमि, वो बोलते हैं कि 4 महीने में इन्होंने 32 किलो जो था वजन वो क्या किया, कम किया। यार मतलब सोचते हो कितनी जल्दी कम कर दिया। और एक हम है कि जिसको चाह रहे हैं कि थोड़ा मोटा हो जाए, और हमें क्या है मुजफ्फरनगर का पानी लग ही नहीं रहा है, न जाने कब लगेगा। और कुछ लोग तो बाहर से अगर यहाँ पर रहते हैं उनको तो डबल ट्रिपल खाना क्या, उनको तो पानी और छोड़िए हवा तक उनको लग जाती है भाई। रेडियो SD 90.FM RJ अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ सुन रहे हैं आप शो सुपर हाई फाई। और चलिए इसी के साथ इट्स टाइम टू वेदर अपडेट, रोमियो को जो है हमारी वो वेदर अपडेट लेकर आ चुकी है। वेदर अपडेट आज की क्या रहने वाली है, तो रोमियो से पूछ लेते हैं यार इससे पहले कि मेरा बस चले और मैं खुद ही बोलना स्टार्ट कर दूं। नो, ये तो हमारे रोमियो की ड्यूटी है। मुजफ्फरनगर का मौसम इस वक्त बिल्कुल गर्म तवा है। ओके, दिन में पारा 35 से 37 डिग्री तक पहुंच सके, जिसे आप खुद को गर्मी से बचाने के लिए हाथ पांव मारते हुए पाएंगे। उमस के कारण हर सांस लेना एक नया चैलेंज लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, शाम होते ही ठंडी हवा की राहत मिलेगी और हल्की बारिश के साथ मौसम में थोड़ा सा निखार आ सकता है। बस इस गर्मी से बचने के लिए एक ठंडी लस्सी जरूर बना लें। आय हाय क्या बात है, मुझे लगता है कि लस्सी पीने का तुम्हारा मन कर रहा है, मत पीना वरना तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ आ जाएगा। रहने दो, अभी मेरे लिए ऑफर कर सकते हो इवन अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो, वैसे करेगा नहीं कंजूस जो ठहरा। हाय रेडियो SD 90.FM RJ अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ सुन रहे हैं आप शो सुपर हाई फाई। यार कभी कभार क्या लगता है कि मेरे को ना मतलब एक ऐसी चीज़ खाने की क्रेवी होती है, कभी कभी दिल चाहता है कि बस सामने आए और बस आंखें बंद हो और आप कहीं और दुनिया में खो जाएं। ना ये खैर मेरा मजाक था, लेकिन अब क्यों मैं ये मजाक कर रही थी, बिकॉज ऑफ रोमियो ने आजकल स्टार्ट किया है एक और नया सेशन, बोल रहा है कि क्यों ना यार शुरू कर दिया जाए। मैं कि क्यों नहीं, बिना कुछ देरी के, नहीं देरी वेरी तो खैर नहीं चलाऊंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि यार एक तरीके से मज़ेदार तरीके से रोमियो कुछ सुना दो तो थोड़ा दिल खुश हो जाए मेरा भी यार और हमारे लिसनर्स का भी। मज़ेदार तरीका है, क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है हाँ? तो सोचो ऐसा क्यों ना हो कि अचानक तुम्हारा पसंदीदा गाना बजने लगे और तुम्हारे सामने एक विशाल पिज्जा आ जाए। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो तुम डायरेक्टली मेरी भावनाओं के साथ खेले हो यार, तुमने मजाक दौड़ी ना, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तुम्हारा ये वाली चीज नहीं चलाने वाली हूँ। मैं तो पहले बचपन में यही सोचती थी कि अगर यार पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब हैं, और मैंने क्या यार फिर ट्रॉफी भी आ सकती है घर और सर्टिफिकेट का तो ढेर लग जाता, वैसे आज तक लगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद कहते हैं कि ध्यान जो है हमारा कहीं गेम में चला ही जाता है। अब देख गेम में आखिरकार ऐसा ही, नाइजीरिया के एक ऐसे है मेल जिनकी एज है 25 और नेम है इनका ओ साइड ओ लू वोले। हाँ नाइन थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है यार। इन्होंने क्या किया है, 75 आवर्स कंटिन्यू इन्होंने एक वीडियो गेम खेला और कहाँ पर अपना नाम लिखवाया, पता है कहाँ पर लिखवाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। डू यू बिलीव दैट कि आजकल ऐसी ऐसी चीजें भी होने लगी है यार, मतलब अब उस बुक के अंदर मुझे लगता है कि पन्ने कम पड़ जाएंगे, किसी दिन ये ना हो कि सबसे ज्यादा आम किसने खाया। तो मैं तो कहूंगी भैया ऐसे कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए, लेकिन अगर आप अवॉइड करें भाई क्योंकि आपकी आंखों का मामला है तो इतना लगातार गेम खेलना इट्स नॉट गुड, आपकी आंखें भी कहेंगी क्या जुल्म ढा रहे हो।